हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 का बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट। और उस साइड प्रेजेंट है फ्रेंड्स वहाँ पे गन मेटल ग्रे का, जो कि मतलब ओल्ड जनरेशन इससे पहले वाला आता था वो। तो आज के इस वीडियो में दोनों के बीच में डिटेल कंपेरिजन करने वाला हूँ कि कंपनी ने चेंजेस क्या क्या किया है और एग्जैक्टली आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपकी सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे इस साइड प्रेजेंट है यहाँ पे राइट हैंड साइड में बिल्कुल ही न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का न्यू जनरेशन में जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे लुक्स में आपको मिल रहा है। और वो है फ्रेंड्स ओल्ड जनरेशन में। अगर हम बात करते हैं न्यू जनरेशन के बारे में तो इसमें टोटल में कंपनी ने यहाँ पे 11 कलर ऑप्शन लॉन्च किया, जिसमें से कि गन मेटल ग्रे कलर अभी हमारे पास प्रेजेंट है। और ओल्ड जनरेशन के कंपेरिजन में हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं कि कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जो अब आपकी कंपनी फ्रंट में फोक्स प्रोवाइड कर रही है वो 47mm का मिल रहा है। पहले आपको फ्रेंड्स पतला फोक्स यहाँ पे मिलता था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लाइट्स आप देख सकते हैं, अब आपको इसमें हैजार्ड लाइट का जो है वो फंक्शन मिल जाता है, जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। यहाँ पे लाइट्स आप देख सकते हैं, लाइट जो है सिमिलर है, थोड़ा चेंजेस आया है, बट कोई मेजर में यहाँ पे कंपनी ने चेंजेस नहीं किया है। अगर हम इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो है कुछ आपको इस टाइप का मिल रहा है। फ्रंट में यहाँ पे 300mm का डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स आपको पहले भी मिल रहा था। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स पोजीशनिंग के, तो आप देख सकते हैं पहले आपको जो है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलता था, अभी कंपनी यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है वो आपको राइट हैंड साइड में कर दी है। तो एक चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाई ब्रेक है कंपनी आपको ब्रेक्स प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लू में टेपिंग का यूज़ किया गया है रिम में, और एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे कंपनी ने इस बार चेंज कर दिया है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको पहले टेपिंग जो है वो नहीं मिलता था, बट अब मिल रहा है। रिफ्लेक्टर्स जो है वो पहले भी आपको मिल रहा था, अभी भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे हम इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं तो वो भी सिमिलर है, पहले फ्रेंड्स क्रोम में इंडिकेटर्स मिलता था, अब यहाँ पे ब्लैक में जो है वो इंडिकेटर्स आ रहा है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे बल्ब में आपको लाइट्स मिल जाता है, मीटर कंसोल में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन जो है वो चेंज कर दिया गया, अब आपको मेटियोर वाला इंजन कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, जो कि पहले फ्रेंड्स आपको ये वाला इंजन मिल रहा था। तो मेटियोर का जो इंजन है ये यहाँ पे 20.2 bhp के अप्रॉक्स में पावर और 25 Nm का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्लासिक 350 का जो बैज है उसमें ब्लू में स्टिकरिंग आपको मिल जाता है, और ये जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है ये 3D में है, पहले फ्रेंड्स आपको स्टिकर में मिलता था, आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे। और टैंक पैड आपको कुछ इस टाइप का मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। टैंक का डिज़ाइन का बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, आप ऊपर से देख सकते हैं। पहले जो है वो टैंक फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का आपको मिलता था यहाँ पे आपको, और इस बार जो टैंक का डिज़ाइन है ये भी चेंज कर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं मीटर का, तो मीटर आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मीटर जो है आपको बिल्कुल ही न्यू मिल रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है जो कि पहले मिसिंग था। यहाँ पे आप चाहें तो एज ए नेसेसरीज आप लगवा सकते हैं, जो नेविगेशन का आता है वो आप इसमें लगवा सकते हैं। और की का जो लॉक है, अनलॉक और हैंडल लॉक तीनों ही आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर इसका मीटर आप देखते हैं तो बेसिक सा मीटर कंसोल आपको मिलता था, जिसमें कि फ्यूल इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं आता था और मीटर भी स्वाइप नहीं मारता था। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स स्विचेस वगैरह जो है वो भी चेंज कर दिया गया है पूरी तरह से। यहाँ पे आपको इस टाइप का मिल रहा है, जो कि बेसिक आपको मिलता था, और अभी जो है ये मेटियोर वाला स्विचेस कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, यहाँ पे इंजन किल स्विच इसी में आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, और ये हैजार्ड का एक स्विच न्यू दिया गया है, जिससे कि आप चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जला पाएंगे। तो ये एक फीचर यहाँ पे कंपनी ने ऐड कर दिया है। बाकी मीटर आप ऊपर से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे टैंक की अगर बात करते हैं तो टैंक आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको टैंक यहाँ पे मिल रहा है। सीट का जो डिज़ाइन है वो भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। सीट आप देख सकते हैं, सीट की जो कुशनिंग है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इस साइड में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको जो कुशनिंग है वो अच्छा मिलता था, बट डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया। पहले आपको स्प्रिंग यहाँ पे मिल जाता था लगा हुआ सीट में, इस बार कंपनी ने स्प्रिंग को हटा दिया है। एक्सेसरीज में आप चाहे तो लगवा सकते हैं। पीछे का ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हैं, आपको बेसिक ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर मिल जाता है। और साइड से बात करते हैं तो साइड से फ्रेंड्स लुक में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, साड़ी गार्ड उसी टाइप का आपको मिल रहा है, ओपन में चेन आपको मिल रहा है, इसमें भी ओपन में ही कंपनी आपको चेंज प्रोवाइड करती है। अगर पीछे का हम यहाँ पे टेल लाइट्स का बात कर लेते हैं तो उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। पहले आपको इस टाइप में टेल लाइट मिलता था, अभी इस टाइप में मिल रहा है। एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है
वो भी चेंज कर दिया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक जो है वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क ब्रेक आपको पहले जो है वो फ्रेंड्स इस साइड में मिलता था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, अभी जो है राइट हैंड साइड में कर दिया गया है डिस्क ब्रेक को। और एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इसमें तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया गया है। और एग्जॉस्ट नोट मैंने आपको सुना दिया है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सस्पेंशन वगैरह की, तो फ्रेंड्स एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको रेयर में मिल जाते हैं, और आगे में भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो एक्सेसरीज इस बार फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा इसका जो है वो कॉस्टली हो गया है। ब्रेकिंग वगैरह जो है वो आपको सिमिलर मिल जाता है, यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह सेटअप सब आपको सेम मिलता है, उसमें कंपनी ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लुक्स में आपको चेंजेस मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात कर लेते हैं लीवर वगैरह की क्वालिटी के बारे में, तो अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है मिरर्स ब्लैक में मिल रहा है, और लीवर्स जो है वो फ्रेंड्स आपको आप बोल सकते हैं मीटियोर वाला इस बार मिल रहा है। पहले आप देख सकते हैं पतले टाइप के लीवर्स आते थे, अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वाइडर टाइप के लीवर्स मिलने लगे हैं, तो ये भी एक अपडेट है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे न्यू स्विच ऐड कर दिया गया है, वो जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इस साइड से अगर हम बात करते हैं तो लुक्स आप देख पा रहे हैं स्टैंड का जो यहाँ पे मतलब आपको मिलता है सेंटर स्टैंड और मिडिल स्टैंड आप देख पा रहे हैं सिमिलर है पहले वाले जैसे, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो साइड लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है। प्राइसिंग वगैरह का जो भी फ्रेंड्स डिटेल्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा अगर प्राइसिंग अभी आ गया होगा तो, वरना फ्रेंड्स प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 1000-2000 रुपये का ही एक शोरूम प्राइस यहाँ पे कंपनी ने बढ़ाया है। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा वॉकराउंड वीडियो। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।